नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल में सब इस आप लोग को स्वागत करता हूँ। मैं जो वाइसल सिग्नल कम स्किनर मेरा वेबसाइट पे डिस्प्ले करता हूँ, उसी का थ्रू में मैं रेगुलर यूट्यूब के थ्रू में नेक्स्ट डे का व्यू देता हूँ। मेरा फेसबुक पेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और वेबसाइट पे, तो उसी को मैंने आप लोगों को स्क्रीन करके दिखाता हूँ। मैंने आप लोग को पहले भी बोला था कुछ नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया, ये प्राइस चैनल का आप लोगों को दिखाया था, और बोलिंजर परसेंटेज भी इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया। बोलिंजर परसेंटेज भी ये काम पे आएगा आप लोगों को, और 926 EMA क्रॉसओवर वो भी किया हुआ, एक इम्पोर्टेंट क्रॉसओवर होता है। और मैंने नया जो इंट्रोड्यूस किया हूँ उसको है ये लीनियर रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर मेथड से लीनियर रिग्रेशन। ये जब 30 डे, 15 डे और 5 डे तीनों टाइम फ्रेम में जब एक ही ट्रेंड दिखाएगा तो ये बहुत ही स्ट्रांग होगा। ये आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। एनीवे मैंने स्क्रीनिंग करना चालू करता हूँ। फर्स्ट ट्रेंड को देख लेता है, मैंने पहले भी बोला था कि ट्रेंड को कर लेंगे तो सबसे अच्छी, पहले वो आप लोग को कोई सेटअप आप लोग यूज़ कीजिए, इंडिकेटर वगैरह कोई भी सभी सेटअप में आप लोगों को फेवरेबल दिखाएगा। आप पहले पॉलिटी 3 को कर लेता है, उसके बाद 2 और 1 को कर लेता है, उसके बाद इधर देखते हैं में क्रॉस ओवर होता है, क्रॉस ओवर 5813 820 926 दिखा रहा है, बोलिंजर मिड बैंड के ऊपर है, प्राइस चैनल का मिड बैंड के ऊपर है। प्राइस चैनल का अपर बैंड और लोअर बैंड का कितना नज़दीक है वो दिखाया नहीं। एक्चुअली मैंने इसमें परसेंटेज रखा है इसके लिए, सॉरी इधर दिखा रहा हूँ, इधर क्लोज टू मतलब मैंने थोड़ा सा परसेंटेज का जितना सा नज़दीक है तो इसलिए क्राइटेरिया नहीं है, मैंने टॉलरेंस थोड़ा सा नज़दीक रखा हूँ, थोड़ा सा दूर है। इसमें आप देखिए कैसे कितना चले का ऊपर है, और इधर RSI को मैंने बाद में देखता हूँ। RSI कुछ में ओवरबॉट दिखाता है, कुछ में नहीं है, तो RSI स्टोकास्टिक ऐसे ही मतलब ओवरबॉट ओवरशॉट सिचुएशन में बहुत दूर जा सकता है। और ये देखिए लीनियर रिग्रेशन, ये तीनों टाइम फ्रेम में मतलब पॉजिटिव आए, और इसको कर लेते हैं इंटरडे का हिसाब से पिवट पॉइंट और R1 के बीच में जो है, तो ये करूँगा तो ये पिवट पॉइंट S1 जो है वो छूट जाएगा। ये करने से आप लोगों को सफिशियंट है, ये भी तीनों टाइम फ्रेम में देख लीजिए, 5 डेज, 15 डेज में भी देख लीजिए, ठीक है, सभी में आप लोगों को अप साइड में दिखेगा पॉजिटिव चेंज इन प्राइस, पॉजिटिव चेंज इन वॉल्यूम, पॉजिटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, आप लोग ये तीनों का आप लोग ये लेवल नोट कर लीजिए, ये तीनों का लेवल, और कुछ लोग निफ्टी बैंक निफ्टी मांगता है, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल देख लीजिए आप लोग, ये भी मान सकता है और नहीं तो ये भी मान सकता है, कोई भी, मेरा सलाह है कि कोई भी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने इसको चार्ट में दिखाने का कोशिश करता हूँ, देखिए मैंने इधर जो माइंट्री लिखा है हूँ आया है, तो इसको चार्ट का पोजीशन देखिए, देखिए बोलिंजर बैंड का मिडिल बैंड के ऊपर है, पैराबोलिक सर ये इसका नीचे है, MACD का सिग्नल ऊपर दे रहा है। ये देखिए इधर डाइवर्जेंस हुआ था, थोड़ा सा डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस हुआ था, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्जेंस